नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल नटवरलाल भाईती पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो उद्योग से संबंधित है और यह है टेक्सटाइल प्रिंटिंग। टेक्सटाइल प्रिंटिंग के भी कई आयाम हैं, इसमें से केवल हमने आज एक आयाम को छुआ है, वह है स्क्रीन प्रिंटिंग। साथियों, मैं किशनगढ़ से हूँ और रंगाई छपाई उद्योग का मेरा अपना अनुभव भी रहा है। कई वर्षों तक मैंने यहाँ किशनगढ़ में ही रंगाई फैक्ट्री चलाई है। वायर का धंधा मेरा था और उसके बाद सूरत में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिससे सूती वायर का बिकना लगभग समाप्त सा हो गया या बहुत कम बिकने लग गई। इस कारण हमें वो उद्योग बंद करना पड़ा। मैंने कोशिश की थी किशनगढ़ में प्रिंटिंग उद्योग चालू करने की भी, मगर मेरी वो योजना कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाई। पर अब समय बदल रहा है। आज भी किशनगढ़ के अनेक लोगों को ये भ्रांत धारणा है कि किशनगढ़ में छपाई योग्य पानी नहीं है। देखिए, हर जगह पानी उसी अनुपात में मिल जाए, उस उद्योग के हिसाब से मिल जाए, यह जरूरी नहीं है। पानी की व्यवस्था होती है और यदि पानी में किसी तरह की कोई कमी है तो उसके लिए आज इतने केमिकल्स उपलब्ध हैं कि पानी की कमी की बात कहकर यह सोचना कि किशनगढ़ में यह उद्योग चल नहीं सकता या पनप नहीं सकता। कई लोग मेरे अपने पर उंगली उठाते हैं, मेरे अलावा दो अन्य रंगाई छपाई फैक्ट्रियाँ यहाँ थी उन पर भी उंगली उठाते हैं। उसके बाद एक और जनाब ने रंगाई छपाई उद्योग में अपनी किस्मत आजमाई, मगर उनको भी वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी और ये एक नज़ीर बन गई। जब भी हम कहते हैं किशनगढ़ में रंगाई छपाई उद्योग चल सकता है तो सीधी उंगली हमारे ऊपर उठती है। मैं कुछ बातों को यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा ताकि आपको यह मैं विश्वास दिला सकूँ कि किशनगढ़ में रंगाई छपाई उद्योग की विपुल संभावनाएँ हैं। सबसे पहली बात तो है, किशनगढ़ में वस्त्र का उत्पादन होता है और किशनगढ़ के उत्पादित वस्त्र का मुख्य जो खरीदार है वो जयपुर और अहमदाबाद है और दोनों स्थानों पर यह जो कपड़ा है वो छपाई उद्योग के काम में आता है। यहाँ पर अभी किशनगढ़ में वर्तमान में एक रंगाई फैक्ट्री चल रही है चौधरी डाई के नाम से। इन श्रीमान ने अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ प्रिंटिंग की टेबल्स भी लगाई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कई बार उनसे यह आग्रह किया था कि किशनगढ़ में छपाई उद्योग चालू करें। बहुत संभव है इस आग्रह को मानते हुए या इसके अंदर की बात को समझते हुए इन श्रीमान ने यहाँ प्रिंटिंग की टेबलें स्टार्ट की है और आज आपको यह जानकर मुझे बताने में तो बहुत अधिक खुशी नहीं होती है, मगर खुशी इसलिए होती है कि आज मेरा अपना माल वहाँ लाइन में लगा हुआ है और मुझे दीपावली बाद माल छाप कर देने को कहा गया है। यह है इस वक्त किशनगढ़ में प्रिंटिंग उद्योग की स्थिति। यही हाल डाइंग उद्योग की है। रंगाई का काम किशनगढ़ में जो पैटर्न है उसमें कुछ महीनों का है, मगर यदि इस पैटर्न को चेंज किया जाए और यदि यहाँ प्रिंटिंग की टेबल लग जाए तो ये उद्योग 12 महीने के लिए हो सकता है। कई लोगों की भ्रांति है कि प्रिंटिंग केवल सांगानेर में हो सकती है। ये उनकी पुरानी अवधारणाओं पर आधारित भ्रांति है। एक समय था साथियों जब सांगानेर में जो काला रंग बनता था बेडशीट में प्रिंट करने के लिए वो पथरी पोटाश इससे बनता था और उसके लिए पर्याप्त अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती थी। माल को छपने के बाद रंग को पकने के लिए तेज़ धूप की आवश्यकता होती थी तो सूरत की गर्मी और नीचे बालू मिट्टी इतनी गर्मी हो जाती थी कि उस पर जब बेडशीट को सुखाते थे स्क्रीन से छापने के बाद तो उसमें रंग में पक्कावट आ जाती थी, रंग निखरता था। और इसी बात को लेकर आज भी यह भ्रांति कायम है कि केवल सांगानेर में ही यह प्रिंट हो सकता है। साथियों, कालांतर में काला रंग ऐसा आ गया, एक रसायन ऐसा आया जिसमें पथरी पोटाश की जरूरत ही नहीं रही और आज तो केमिकल्स के मामले में इतनी तरक्की हो गई है कि आप आज जो जयपुर में बेडशीट प्रिंट हो रही है वो किशनगढ़ में आसानी से प्रिंट हो सकती है।
कहीं क्लाइमेट का कोई रोल नहीं रहा। किशनगढ़ का पानी बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि किशनगढ़ का पानी रंगाई छपाई उद्योग के अनुकूल नहीं है, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ कि मेरे पास आए और मैं इस बात को बताऊँगा कि ये एक भ्रांत धारणा है, किशनगढ़ में रंगाई छपाई उद्योग के अनुकूल पानी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है, और यदि पानी नहीं भी होता है तो उसका अरेंजमेंट होता है। मैं कई बार पाली भी रहा हूँ, पाली मेरा ऑफिस भी रहा है, और मैंने वहाँ देखा है कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ टैंकरों द्वारा पानी मंगाया जाता है और उस पानी से रंगाई छपाई उद्योग को चलाया जाता है। तो ऐसी जो बातें करते हैं वो उन लोगों को पीछे हटा देते हैं, और जो लोग पीछे हट जाते हैं वो भी पूरी स्टडी करते नहीं हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज किशनगढ़ में कम से कम 500 टेबल प्रिंटिंग की, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए जो टेबल्स होती है उनका स्कोप यहाँ है। कच्चा माल किशनगढ़ में बनता है। एक ज़माना था तब किशनगढ़ मीटर गेज पे था, और आने वाला जो देश का व्यापारी था, देश के कोने कोने से जो व्यापारी आते थे उनको जयपुर आना बहुत अधिक सुगम था। मगर आज भारत ने इतनी तरक्की की है रेलवे के मामले में और रोड्स के मामले में भी कि देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में जाना चाहे तो उसे बहुत अधिक असुविधा नहीं होती है। बहुत बढ़िया रोड्स उपलब्ध हैं, बहुत बढ़िया ट्रैक रेलवे के उपलब्ध हैं। उस ज़माने में जब अटल जी प्रधानमंत्री नहीं थे, अटल जी के आने के बाद देश की सड़कों की व्यवस्था बहुत अधिक सुधरी है और आवागमन बहुत अधिक सुगम हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि किशनगढ़ ऑन द मैप नहीं है, या किशनगढ़ का पानी खराब है, या किशनगढ़ में क्या छप पाएगा, ये सब भ्रांत धारणे हैं। ये जो किशनगढ़ में 4 टेबल्स अभी लगी है प्रिंटिंग की, वो बहुत अच्छी चल रही है, और मुझे लगता है आने वाले समय में कम से कम यहाँ 1000 टेबल्स की आवश्यकता है। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूँ, अच्छा एक बात और है, ये लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट का बिजनेस है। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने अब तक इस इंडस्ट्री में कदम क्यों नहीं रखा है। देखिए, इसमें बहुत अधिक पावर की आवश्यकता नहीं होती है। पावर की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं होती है, मगर बहुत अधिक पावर की आवश्यकता नहीं होती है, और बहुत बड़ा सेटअप की आवश्यकता भी नहीं होती है। एक शेड होता है, उसमें टेबल्स लगी होती है, कुछ स्क्रीन होती है, एक ऑफिस होता है, उसमें ऑफिस के लिए आवश्यक स्टेशनरी, टेबल, कुर्सी आदि होती है, एक कंप्यूटर होता है, और एक फोल्डिंग कांटा होता है। फोल्डिंग माल जो आता है, जो उसकी चेकिंग के लिए तख्ते की ज़रूरत होती है, और जब माल पैक होता है और तैयार होने के बाद उसकी चेकिंग होती है, उसके लिए तख्ते की ज़रूरत होती है। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस उद्योग के लिए हमें नहीं करना पड़ता है। प्रारंभिक रूप से यदि हम 4 स्क्रीन टेबल्स लगाएं 40 मीटर वाली, तो लगभग ज़मीन की कीमत को यदि हम निकाल दें तो 4 से 5 लाख रुपये में सारा कार्यक्रम प्रारंभ हो सकता है। एक जिगर होता है, एक पानी गर्म करने के लिए छोटा मोटा बॉयलर होता है, ऐसी छोटी छोटी अनेक चीज़ें हैं जिनको गिनाना वाजिब नहीं है, मगर बहुत अधिक सेटअप नहीं है। और यदि आप इस बारे में और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ आपका। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, उससे आप मुझे कॉन्टेक्ट करें। मैं आपको आश्वस्त करूँगा कि किशनगढ़ में रंगाई छपाई उद्योग की विपुल संभावना है। साथियों, मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये कपड़ा ऐसा एक आभूषण है मनुष्य का, नारी का, कि कपड़े की आवश्यकता, फैशन बदलती रहती है मगर कपड़े की आवश्यकता फिर भी बनी रहती है। कभी साड़ी तो कभी सलवार सूट, कभी पैंट तो कभी बॉल बॉटम, कभी कुर्ता तो कभी शर्ट, यानी कपड़ा हर वक्त चाहिए ही चाहिए। और कपड़े में आधुनिकता आती है प्रिंट में और उसकी डिज़ाइनों से। तो आप नए नए प्रिंट नित्य बनाते रहो, कपड़े की मांग बनी रहेगी। और इंसान की एक फितरत है कि उसे कुछ न कुछ नया चाहिए, और प्रिंटिंग उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो इंसान की इस फितरत के आधार पर नित नए प्रिंट ला सकता है। आज सूरत की बात करें तो साड़ियों में नित नए प्रिंट आ जाते हैं। यही बेडशीट का हाल है, बेडशीट पर भी नए नए प्रिंट हैं। आज का वीडियो में एक बात और स्पष्ट कर दूँ, मेरा जो वीडियो आधारित है, ये आज का जो आधार है, उसमें बेडशीट मेन टारगेट पे है। किशनगढ़ में बेडशीट उद्योग की विपुल संभावनाएं हैं। किशनगढ़ को सांगानेर बनाया जा सकता है, इतनी अधिक क्षमता किशनगढ़ में है। प्रिंटिंग के लिए सभी तरह के केमिकल्स जो जयपुर वाले सांगानेर वाले काम में लेते हैं
उन्हीं केमिकल्स को आधार बनाकर किशनगढ़ में टेबल्स की स्थापना की जा सकती है, उन पर कपड़ा छपा जा सकता है। हाँ, छपाई में, प्रिंटिंग में, डिजाइन में नित नए इनोवेशन की आवश्यकता हर उद्योग मांगेगा और उसकी ज़रूरत रहेगी। मगर यह सोचना कि किशनगढ़ में यह उद्योग चल नहीं सकता, तो इस बारे में मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ आपको, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क स्थापित करें। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मेरी योजना है कि निकट भविष्य में शीघ्र ही एक ऐसी सेमिनार किशनगढ़ में रखी जाए जिसमें सभी पावड़ उद्यमियों को जो कपड़ा उद्योग से जुड़े हैं, चाहे वो उद्यम पावड़ उद्यमी हो या ट्रेडिंग करते हों, उन सबको आमंत्रित करूँगा मैं। और बाहर से मैं एक विशेषज्ञों की समिति को बुलाऊंगा जो इस बात पर प्रकाश डालेगी कि किशनगढ़ में इस प्रिंटिंग डाइंग उद्योग की कितनी संभावनाएं हैं। तो उसके बाद हो सकता है आप लोगों का बहुत अधिक मानस क्लियर हो। यदि आप चाहते हैं कि इस सेमिनार में भाग लेना है तो कृपया मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे सूचित करें, मैं आपको यथोचित जानकारी इस बारे में दूंगा और मुझे खुशी होगी आपको यह जानकारी देने में। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, जब भी इस तरह का मैं कोई आयोजन करूं, कृपया मुझे भरपूर समर्थन दें, इस सेमिनार में आएं और जानें किशनगढ़ को किस तरह आप एक नया आयाम प्रिंटिंग उद्योग स्थापित करके दे सकते हैं। मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहूँगा, ये लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट वाला बिजनेस है। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तब आपको इसका पता चलेगा। मुझे मालूम है किशनगढ़ में एक ट्रेंड है, या तो लूम्स लगेंगे या साइजिंग लगेगी और कुछ और भी उद्योग पनप रहे हैं, मगर इस प्रिंटिंग उद्योग की ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बारे में स्टडी करें, यदि और अधिक जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। कई ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है, वहां से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। मगर मेरी दिली तमन्ना है कि किशनगढ़ को सांगानेर बनाया जाए और यहाँ अधिक से अधिक छपाई उद्योग को जो है नए आयाम पर लाया जाए, एक नई शुरुआत की जाए। देखना ये है, वैसे शुरुआत हो चुकी है, मगर देखना है इस बात को आगे कौन बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।